एक बार फिर आपका वाईफाई टेक आई की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है और आज मैं बताने वाला हूँ मोनेटाइज कैसे करें जिनके 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर। देखो वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा एकदम आपकी समझ में आ जाए। कोई भी स्टेप आपको छोड़ने नहीं है, कहाँ गलती होती है वो भी मैं बताऊँगा जो नए यूट्यूबर करते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है वो क्या करेगा, पहले तो वो अपना वॉच टाइम पहले श्योर हो जाए कि वाकई में हुआ है कि नहीं। यहाँ पर जो डैशबोर्ड आएगा वो लाइफ टाइम का ही शो करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट 365 दिन मतलब एक साल का, लास्ट एक साल का ही लेते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मान लो किसी के सब्सक्राइबर नहीं हो पाए तो जो भी है वो लास्ट 365 दिन के हिसाब से कैलकुलेट होती है। तो मैं इस पर क्लिक करके बता देता हूँ। तो देखिए 4000 घंटे चाहिए वॉचिंग टाइम, जो कि इससे ज़्यादा है, ठीक है, लगभग 5000 करीब है, और सब्सक्राइबर चाहिए 1000, तो ये लगभग 1000 से ऊपर हुए, ठीक है। ये कंडीशन आपने जो उसके लिए थी वो चालू कर दी। अब हमें आना है मोनेटाइज, ये जो साइड से ऑप्शन आ रहा है मोनेटाइज, इस पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा जब भी ये कंडीशन पूरी होती है। तो देखिए इसे ये यहाँ पर दिखा रहा है 1050 के करीब है और 4800 करीब। तो यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है, यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है। स्टेप बहुत क्लियर बताऊँगा, लास्ट तक वीडियो तो जुड़े रहें। तो देखिए पहला वाला जो स्टेप आ रहा है मोनेटाइज चैनल के लिए अभी इनवैलिड है, तो इस पर क्या करेंगे स्टार्ट, क्योंकि अभी वो शुरू नहीं हुआ है। तो हम इस पर स्टार्ट करके शुरू करते हैं। क्लिक करने पर ये जो कंडीशन है भैया, सारी कंडीशन मंजूर है, हम तो सभी पर क्या कर देंगे टिक कर देंगे, ज़्यादा सोचो ही मत, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये थोड़ी देर के लिए प्रोसेसिंग लेगा, तो आपको वेट करना है। वेट करने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। और ये जो चैनल है ये टेक्निकल के लिए ही बनाया, कुछ स्टूडेंट रीजनिंग के जुड़े हैं इसलिए उस पर रीजनिंग भी बताता हूँ, लेकिन ये टेक्निकल है। अब दूसरा है, अब हम देखो यहाँ डन हो गया, मतलब ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, इस प्रोग्राम में आप शामिल हो गए। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, एक अकाउंट ऐड करना होता है, ऐड सेंड अकाउंट, इस पर क्या करना है, यस करना है। यदि पहले से है तो नो करना, जब आप पहली बार कर रहे हो तो यस करना, ठीक है। नो जब करेंगे आपके पहले से भी यूट्यूब पे चैनल के अकाउंट ऐड हैं तो दोबारा ज़रूर नहीं है, तो कंटिन्यू पे जाएंगे। फिर आपको एक फॉर्म फिल करना है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। स्टेप इतनी बारीकी से बताऊंगा, आप एक ही वीडियो देखनी जरूर पड़ेगी, दोबारा बार बार नहीं देखनी। तो अब वो आईडी जो अटैच है इस यूट्यूब चैनल से, आप उस पर क्लिक करेंगे, ये वाईफाई टैग है, ठीक है, वो भी मेरा एक चैनल है, ठीक है। आप वाईफाई टैग पे गए तो यहाँ पर इस तरीके का आपके सामने परफॉर्मेंस आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ठीक है, गेट मोर आउट एड सेंस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए जितनी भी सुविधा चाहिए सब चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, किस पे करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने पर क्या होगा, सारी परफॉर्मेंस आपको मिलती रहेंगी। फिर इसके बाद आप किस कंट्री के हैं, चलो इंडिया के हैं, तो हम इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, किसको करेंगे, इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए आई दबा दो, सबसे बढ़िया, इसको क्लिक करने के बाद आई दबा दो तो आई से एकदम क्लियर दिखाई देने लगेगा कि इंडिया एक सामने आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होता, बेफिक्र रहें, चैनल से जुड़े रहें बस। अब ये कंडीशन हमने बोला भैया हमें तो पैसा कमाना है, तो सारी कंडीशन मंजूर हैं आपकी, तो वो बाद में देखेंगे। तो क्रिएट अकाउंट पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। फिर ये आता है गेट स्टार्ट, जब हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एडसेंस अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। देखो जी आपके सामने एडसेंस अकाउंट खुल गया, एडसेंस, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ अकाउंट टाइप में जो नए यूट्यूबर है बिजनेस कर लेता है, आप इंडिविजुअली रहने देना। और यहाँ पर जो नेम है, ठीक है, यहाँ पर जो नेम है वो ये मत डालना कि कुछ भी है, जो आपके पासबुक पे छपा हुआ है जिसमें जो पैसे आएंगे वही वाला डालना है। एड्रेस भी वही डालना है जिसपे पिन आएगा, एडसेंड अकाउंट का पिन आएगा वो, ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है जो रजिस्टर्ड है वो पासबुक, मतलब उस बैंक अकाउंट से। तो मैं इसको भी फिल कर ले रहा हूँ, वैसे आप फिल कर लेना, इसमें कोई ज़्यादा नई चीज़ तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिर बाद में क्या करना है, सबमिट। सबमिट करने पे क्या होगा, ये आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। वैसे इसमें कोई चीज़ ज़्यादा टिपिकल तो थी नहीं, ठीक है। फिर एक बार और सबमिट करने के लिए बोले, जिसमें मैसेज आएगा मोबाइल पर,
में से आएगा, तो इस पर क्या करेंगे क्लिक, और फिर क्या करेंगे रीडायरेक्ट, क्या करेंगे रीडायरेक्ट। ये आपने अप्लाई किया है, अभी फ़िलहाल क्या किया है अप्लाई अपने चैनल के लिए। ये थोड़ा सा समय लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है, ठीक है। और वेट करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। इसमें क्या कर रहा है देखो, इन प्रोसेस, क्या दे रहा है इन प्रोसेस, तो बेफिक्र रहे हैं, ये अभी प्रोसेसिंग में 24 घंटे के अंदर ये क्या करेगा, ये वेरीफाई कर देगा आपके अकाउंट। एक दिन बाद अब चेक करते हैं क्या हुआ, ठीक है। फिर मोनेटाइज में जाएंगे हम। देखो एक एक स्टेप बता रहा हूँ, चैनल से जुड़े रहना, और भी वीडियो मिलेंगे। देखो यहाँ पर क्या आ गया, सक्सेसफुली डन, गूगल एडसेंस अकाउंट आपका डन हो गया, ठीक है। थोड़ी थोड़ी खुशी होगी जब आप पहली बार इस मोनेटाइज करेंगे अपने चैनल को, ठीक है। तो देखो ये सक्सेसफुली बता रहा है ऐड। अब जो नीचे जो आ रहा है वो आपका चैनल मोनेटाइज होने के लिए रिव्यू में गया है, वो ये चेक करता है आपके कंटेंट कैसे हैं, वीडियो कैसा है, मतलब कोई इधर उधर का डाउनलोड करके तो नॉ अपलोड किया। अब चार दिन बाद देखते हैं क्या मैसेज आ जाए। तो आप जो आपकी जो आईडी है जो गूगल की, उस पर जाएंगे तो देखो कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज आएगा, उसने अप्रूवल कर दिया है। आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका मोनेटाइज हो गया, ठीक है। ऐड कैसे लगा तो पूरा मैं वीडियो बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कैसे कमाते हैं, ठीक है। तो ये तो सभी न्यू यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छा समय होता है, ठीक है। अब चलते हैं कि वो किस तरीके से था। देखो यहाँ पर डॉलर का जो सिंबल है अभी ऑफ है, मैं बताऊँगा कैसे इनके ऑन करके पैसे कमा जाए। तो देखिए अब इसमें मोनेटाइज में जाएंगे, तो मोनेटाइज में जब हम जाते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ी गलती होती है वो मैं अब बताने वाला हूँ जो नए यूट्यूबर करते हैं। फिलहाल तो ये सुपर चैट है, सुपर चैट मतलब लाइव आके पैसे कमाते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, अभी शुरुआत की है। तो देखो यहाँ पर एक्टिव हो गया, और ये जो यहाँ पर प्रोसीड आ रहा है इस पर क्लिक बिल्कुल मत करना, नहीं तो दोबारा आपका चैनल रिव्यू में चले जाएगा। ये मैंने किया था तो वो 5-6 दिन बाद फिर एक्टिव हुआ, लेकिन इंतजार तो इंतजार ही है। अब इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप होता है ऐड को लगाना, ठीक है। जो ऐड लगाएंगे और पूरी सेटिंग बताऊंगा कि कौन से ऐड को पहले लगाएं जिससे आपकी अर्निंग ज़्यादा हो, पैसे ज़्यादा कम है, ठीक है। ये नहीं कि नए यूट्यूबर अप्लाई करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं, CTR बढ़ जाता है, वो भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।